friends, this is Professor Vikas Singh. Today we are studying with expert practical sum. देखिए 8 मार्क का ये practical sum हर एक exam में आता है, very important है guys. एक ही type का sum आएगा, again and again repeat होता है. अब last 10-15 साल का paper उठा लीजिए, sum आते ही आते हैं. तो जितना अच्छे तरीके से हो सके उतना best करके जाइएगा दोस्तों. चलिए question कैसे आएंगे, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ एक simple सा question. कुछ ऐसे आएंगे, देखो दिख रहा है आपको, क्वेश्चन कुछ ऐसे आएंगे. कैलकुलेट द मिनिमम एफओबी प्राइस. मिनिमम एफओबी प्राइस कैलकुलेट करना बोलेगा आपको, और डॉलर का भाव दिया रहेगा, और कुछ आइटम्स दिए रहेंगे. ऐसे क्वेश्चंस आएंगे आपको, ठीक है. वेरी क्लियर है क्वेश्चंस कैसे आएंगे. चलिए तो हम लोग सबसे पहले इसका एक कंसेप्ट पढ़ लेते हैं सम चालू करने के पहले. सपोज एक एग्जाम्पल ले लीजिए, फैक्ट्री है, यहाँ पर आप गुड्स बना रहे हो, आपने जो भी खर्चा बाहर किया. अब यहाँ पे ये शिप्स एरिया जहाँ पे आप गुड्स लोड करोगे एक्सपोर्ट करने के लिए, ये एग्जांपल, ठीक है. यहाँ से लेकर फैक्ट्री से लेकर यहाँ तक जो भी कॉस्ट बेयर करोगे उसको हम लोग बोलेंगे फ्री ऑन बोर्ड. वेरी क्लियर है. तो ये सब फ्री ऑन बोर्ड के एग्जांपल्स हैं, ठीक है. फ्री ऑन बोर्ड्स के एग्जांपल्स हैं. आपने नहीं किया तो भी चलेगा, डायरेक्ट मैं सम पे अटैक करता हूँ, कुछ है नहीं इसमें रेट करके. खाली एक फार्मूला याद रखना, एफओबी प्राइस इज इक्वल टू एफओबी कॉस्ट प्लस एक्सपेंस अप टू द बोट शिप, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो भी एक्सपेंस होता है, प्लस प्रॉफिट लेस इंसेंटिव्स, ठीक है. एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स, क्वेश्चन में ड्यूटी ड्रॉबैक दिया रहेगा, मतलब इंसेंटिव्स है. अब एक सिंपल एग्जांपल लेता हूँ. अभी अपन क्या करते हैं, फार्मूले को ज़रा चेंज करते हैं. अपन फार्मूले को ऐसे लिखेंगे एफओबी प्राइस. अब मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ, ये जो फार्मूला है ना सेम ही रहेगा, खाली जो इंसेंटिव्स है ना इधर आ जाएगा और इक्वल के इधर आ जाएगा, तो ये जो माइनस साइन है प्लस हो जाएगा. मतलब फार्मूला कैसे दिखने लगेगा मैं थोड़ी देर में बताता रहूँगा आपको. चलो डायरेक्टली सम करता हूँ मैं, ठीक है. जो फार्मूला वो मैं इधर दिखा रहा हूँ आपको. देखो फार्मूला ऐसा दिखेगा कुछ, वाला फार्मूला जो अपन देख रहे थे ना, वो फार्मूला कुछ ऐसा दिखेगा. एफओबी प्राइस प्लस इंसेंटिव्स, राइट. इंसेंटिव्स उधर था, इधर आ गया, प्लस हो गया. कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, ऐसे याद रखना, प्राइस प्लस इंसेंटिव्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट. बोलो बोलो, प्राइस प्लस इंसेंटिव्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट. यस, लेट्स स्टार्ट. हम सम करने जा रहे हैं दोस्तों, ज़रा ध्यान दे रहा. क्वेश्चन एग्जाम में आएगा क्या, आपको ऑलवेज वो लोग ऐसे ही बोलेंगे कैलकुलेट मिनिमम एफओबी प्राइस, डॉलर का भाव दिया रहेगा. और जैसे कि फैक्ट्री कॉस्ट दिया है, पैकिंग कॉस्ट दिया है, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट दिया है, प्रॉफिट दिया रहेगा 10% ऑफ एफओबी कॉस्ट, ड्यूटी ड्रॉबैक मतलब इंसेंटिव्स 10% एफओबी प्राइस. सॉल्यूशन कैसे करने का, देखो पहले भी कभी भी सॉल्यूशन लिखने का, उसके बाद जो भी कॉस्ट होगा ना सर, जो भी कॉस्ट ऐड कर देने का. देखो जैसे कि ये कॉस्ट ऐड कर दिया, सेकंड कॉस्ट ऐड कर दिया, थर्ड कॉस्ट ऐड कर दिया, जो भी कॉस्ट रहेगा ऐड कर दो. तो इसको बोलने का एफओबी कॉस्ट. क्या बोलने का, एफओबी कॉस्ट 1,00,000 रुपया. अब इसके अंदर इधर प्रॉफिट दिया था, दिख रहा है आपको, ए पार्ट, ये प्रॉफिट को ऐड कर दो आप, सॉरी ये प्रॉफिट को आप ऐड कर दो. ऐड कर दिया, अब ए अमाउंट बन गया. ए अमाउंट को हम लोग बोलेंगे एफओबी रेवेन्यू. क्या बोलेंगे, एफओबी रेवेन्यू, ठीक है. इतना क्लियर हो गया. उसके बाद तुरंत है ना फटाक से ना क्या करने का, फार्मूला लिखने का, प्राइस प्लस इंसेंटिव्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट. अब एफओबी प्राइस अपने को मालूम ही नहीं, वही तो कैलकुलेट करना है, राइट ना. क्वेश्चन में देखो इधर लिखा था एफओ, यही तो कैलकुलेट करना है. तो कभी भी ऐसा लिखने का, लेट एफओबी प्राइस भी एक्स, ठीक है. फॉर्मूले को सब्स्टिट्यूट करने का, यहाँ पे एफओबी प्राइस है ना एक्स, दिख रहा है आपको, हाँ. इंसेंटिव्स है ना कितना टक्का, क्वेश्चन में बोला था, देखो यहाँ पे क्वेश्चन में यहाँ पे बोला था, देखो दिख रहा है ये वाला पार्ट. ड्यूटी ड्रॉबैक 10% था, कितना था 10%, तो 10/100, 10% में था 10/100, 10% ऑफ क्या बोला है, देखो ना 10% ऑफ एफओबी प्राइस, 10% ऑफ एफओबी प्राइस, तो 10% ले लिया इसका. इक्वल टू एफओबी कॉस्ट प्लस प्रॉफिट. एफओबी कॉस्ट अपने को यहाँ से मिल गया, प्रॉफिट अपने को यहाँ से मिल गया, हो गया. फार्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दिया, यस. अभी फार्मूले को कैलकुलेट करने का, यहाँ पर पहुँच गया हम लोग 1,00,000, राइट ना. अब एफओबी प्राइस क्या आपका 1,00,000. अभी फॉरेन एक्सचेंज रेट लिखने का, 1,00,000 डिवाइड बाय जो भी क्वेश्चन में डॉलर दिया रहेगा ना, डॉलर जो भी क्वेश्चन में डॉलर दिया रहेगा ना, इधर डॉलर का भाव 25 दिया, दिख रहा है 25 क्वेश्चन, उसे डिवाइड कर देने का,
तो आपका आंसर आ गया $4,000। खलास, बस इतना सा एग्जाम है। हर बार एग्जाम में आने ही आना है पक्का गाइस, 100% आता है एग्जाम में, 8 मार्क पक्का है। चलिए नेक्स्ट हम ले लेते हैं आपको, ठीक है। कैलकुलेट द मिनिमम एफ ओ वी प्राइस, डॉलर का अबाउट 30 रुपीज दिया है। अब यहाँ पे लोगों ने थोड़ा टेक्निक चेंज कर दिया, यहाँ पे यूनिट दे दिया, 1000 यूनिट, पर यूनिट का 25 रुपया, पर यूनिट का पैकिंग 2 रुपया, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट 3 रुपया, कुछ नहीं, सेम कॉस्ट को ऐड कर दो, 1000 × 25, 25,000, 2 × 1000, 2000 रुपया, 3 × 1000, 3000 रुपया, इसको बोलेंगे एफ ओ बी कॉस्ट। इसके अंदर 10% प्रॉफिट ऐड कर दो, क्वेश्चन में बोला है, सॉरी इधर बोला है, तो ये एफ ओ बी रेवेन्यू इतना आ गया, क्लियर है? यस। अब फार्मूला लिखने का, मैंने पहले ही बोला फार्मूला लिखने का, प्राइस प्लस इंसेंटिव्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट लिखने का, लेट एफ ओ बी प्राइस बीज एक्स, फार्मूला सब्स्टिट्यूट करो, एक्स 10% है ना, 10% ऑफ एक्स, ये कॉस्ट है, ये प्रॉफिट है, इतना आ गया आपका। इसको डिवाइड करो डॉलर के रेट से, डॉलर का रेट किधर है, इधर है, क्वेश्चन में दिया था, ठीक है, ये देखो यहाँ पे दिख रहा है, तो उससे डिवाइड करो कितना, तो कितना आ गया, 1000 रुपया आ गया, कितना आ गया, 1000, क्लियर है गाइस, 1000 रुपया आ गया, सिंपल। चलो और एक समझ लेते फटाक से एकदम, ठीक है बच्चा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, एक्स फैक्ट्री प्राइस 2000, 28,500, ट्रांसपोर्ट 700, ये प्रॉफिट है बच्चा, ये ऐड मत कर देना, प्रॉफिट है, ठीक है। ड्यूटी ड्रॉबैक 10% है, कन्वर्जन रेट 45, तो सब कॉस्ट को ऐड करने का 48,500, और ट्रांसपोर्ट का राइट, आप खुद से भी कर सकते हो, सेम स्टेप है। खाली और एक चीज़ मेरे को बताना है, इतना हो गया, कभी क्वेश्चन में ना ट्विस्ट कर दें, एक पहला क्वेश्चन ही ऐसा दिया है, और इतना ये पक्का है, हमने अभी तक जो टाइप का सम किया है ना, पक्का है, हमने जो अभी तक एक जो दो तीन सम किया ना, यही टाइप का सम एग्जाम में आएगा बोर्ड में, 100% 100% पक्का, ठीक है। खाली एक ट्विस्ट हो सकता है एग्जाम में, कभी ट्विस्ट कर दिया तो, अगर ऐसा बोल दिया कभी लाइन, कैलकुलेट मिनिमम एफ ओ बी प्राइस कोटेड, नो प्रॉफिट नो लॉस, कभी भी ऐसा बोल दिया ना, पूरा सम एज इट इज करने का। खाली फार्मूला जब लिखोगे ना, फार्मूला दिख रहा है आपको, फार्मूला, तो जो प्रॉफिट है ना, इसको जीरो लेने का, क्या लेने का, अगेन रिपीट कर रहा हूँ, जो प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट, इसको आप क्या लेगो, जीरो, क्योंकि नो प्रॉफिट नो लॉस का मतलब ही होता है जीरो, कोई ब्रेक इवेंट, तो ये जीरो लेने का, बाकी पूरा सम सेम रहेगा, खाली ये पॉइंटर को याद रख लेना, क्या लेना है वहाँ पे, जीरो लेना है, क्या लेना है, जीरो लेना है, प्रॉफिट के बदले जीरो, क्लियर हो गया गाइस। बस तो आई होप आपको ये वीडियो समझा रहेगा, मैंने अपना बेस्ट ऑफ करा दिया, बस इतना सा सम कर लो, पूरे टाइप कवर हो गए, बस यही टाइप का सम आने वाला, 8 मार्क पक्का है। मैं एक्सपोर्ट के इम्पोर्टेंट जल्दी अपलोड कर दूँगा गाइस, थोड़ा वेट करो, और थोड़ा ध्यान, ठीक है, मैं अपलोड कर दूँगा अगली, ठीक है, बाय फ्रेंड्स, टेक केयर, बनाइए।